लखनऊ में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने किया बड़ा खुलासा। आतंकियों की मानव बम के जरिए विस्फोट करने की थी साजिश। यूपी में नई जनसंख्या नीति का सीएम योगी ने किया ऐलान। कहा बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक। नीति में समाज के हर वर्ग का ख्याल। सीएम ने जनसंख्या नीति पर कहा बढ़ती जनसंख्या समाज में गरीबी का कारण। सीएम जनसंख्या नीति का हर नागरिक से संबंध। चित्रकूट दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत 300 प्रचारकों के साथ आज करेंगे वर्चुअल बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। लखनऊ में स्थित राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजिडेंट डॉक्टर शारदा सुमन को रविवार सुबह हैदराबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए लखनऊ से एयरलिफ्ट कराया गया। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। बोले सीएम सबका साथ सबका विकास नीति से मिली कामयाबी। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। 200 करोड़ की परियोजनाओं की दे सकते हैं सौगात। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां थी। बढ़ती महंगाई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट। कहा महंगाई बढ़ने से लोग त्रस्त। सरकार को नहीं है कोई चिंता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का देहरादून दौरा। सीएम ने उत्तराखंड वासियों से कहा उत्तराखंड आकर अच्छा लग रहा है। भगवान ने देवभूमि को सब कुछ दिया। 16 जुलाई को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। वर्चुअल होगी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक चलेगी बैठक। 15 जुलाई को प्रदेश में पदाधिकारियों की बैठक। शाम 3 बजे पार्टी कार्यालय पर होगी बैठक। वाराणसी मां अन्नपूर्णा मंदिर के महंत का हुआ निधन। महंत रामेश्वर पुरी का कल देर शाम हुआ निधन। लंबी बीमारी के बाद हुआ था निधन। गाजियाबाद में देव व्यापार का पुलिस ने किया भंडाफोड़। एक महिला समेत 2 पुरुषों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ओयो होटल का मैनेजर फरार। नाबालिग बच्चों के काम करने का वीडियो वायरल। बाल श्रम कानून की उड़ाई जा रही धज्जियां। प्रशासन की अनदेखी के चलते कई जगह हो रहा बाल श्रम। मुरादाबाद जिले के थाना नागफनी इलाके के नवापुरा मोहल्ले में बिजली घर के नजदीक उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने मोबाइल शॉप पर अपना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया, लेकिन किसी बात को लेकर दुकानकर्मी से युवक का विवाद हो गया। बुलंदशहर में पेड़ पर लटका मिला अज्ञात युवक का शव। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पेड़ से उतारा। मृतक युवक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में 2 हत्याओं की वारदात आई सामने। पहली वारदात साहिबाबाद इलाके में हुई जहां पर युवक के सर में गोली मार दी गई। युवक दिल्ली का रहने वाला था। दूसरी वारदात मुरादनगर इलाके में हुई जहां पर कपड़ा व्यापारी का शव खाली प्लॉट से बरामद किया गया। लाश की पहचान समीर नाम के व्यक्ति के रूप में हुई। महोबा के भरवारा गांव में तेज रफ्तार बालू से लदा ट्रैक्टर पलटा। अवैध खनन से लदा था ट्रैक्टर। बड़ी दुर्घटना होने से बची। आगरा के थाना इरादत नगर क्षेत्र में कैनरा बैंक में एटीएम में चोरी। बदमाशों ने सरिये से तोड़ा एटीएम। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पर्यटकों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य। देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य। कॉर्बेट पार्क में रोजाना सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। तेज बारिश के चलते कई जगह बंद हुआ मार्ग। दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन होने से बंद। बारिश से डबरानी में भारी भूस्खलन। भारी भूस्खलन होने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पेड़ गिरने से मार्ग बाधित। विद्युत लाइन हुई क्षतिग्रस्त। एक इनोवा कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। भारी बारिश के कारण हुआ हादसा। अस्पताल में हंगामा। आशा कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। आशा कार्यकर्ताओं ने लगाया आरोप अस्पताल प्रबंधन पर। बदसलूकी का आरोप। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले मेजबान इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज ओली पॉप चोटिल हो गए हैं। ओली पॉप का सीरीज के शुरुआती टेस्ट से बाहर होना तय है।